अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बनाने जा रही हूँ रस्से वाले आलू। उसके लिए आलू बॉईल करके रख लिए हैं और छोटे छोटे पीसेस कर लिए। उसमें प्याज, टमाटर, कड़ी पत्ता, जीरा, राई, मेथी दाना, हींग और बड़े लाल खड़ी मिर्च, अजवाइन, ये सब डाले। यहाँ तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। तेल गर्म हो चुका है, इसमें डालेंगे राई, जीरा, कड़ी पत्ता, अजवाइन, लाल खड़ी मिर्च, मेथी दाना और प्याज। प्याज यहाँ पे गोल्डन कलर हो चुका है, इसमें डाल देंगे टमाटर। टमाटर को भी सॉफ्ट कर लेंगे, अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे टमाटर। थोड़ी सी हींग भी डाल देंगे साथ में। यहाँ पे टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं, इसमें हल्का सा पानी डाल देंगे। अब इसमें जाएगी हल्दी, नमक। ये रस्से वाले आलू में अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं डलता और ना ही धनिया डलता, ना मिर्च डलती है। बस इसमें ये सारा मसाले डलते हैं जो डाले हैं। अब इनको थोड़े भून लेंगे अच्छे से। ये मसाले अपने भून चुके हैं, अब इसमें ये बॉईल करे हुए जो आलू है वो भी डाल देंगे, साथ ही पानी डाल देंगे एक कटोरी। कुछ आलू को मैश करके डाल देंगे जिससे इसकी ग्रेवी बन जाए अच्छे से। थोड़ा पानी और डाल देंगे। अगर आपके टमाटर खट्टे कम हैं तो आप इसमें थोड़ा सा अमचूर डाल सकते हैं, खट्टा कम हो तो। अभी बॉईल आ जाए इसमें अच्छे से थोड़ी, फिर इसमें हल्की सी शक्कर डाल देंगे जिससे खट्टा मीठा हल्का अच्छा फ्लेवर आ जाए। हल्की थोड़ी सी शक्कर। शक्कर के बाद अब इसमें एक चम्मच गेहूं का आटा डालेंगे। इस आटे को आप तवे पे सेक के भी डाल सकते हैं, ऐसे भी डाल सकते हैं। बस इसके लम्स ना बने, अच्छे से हिला दे, आटे के लम्स ना हो, और अच्छे से चलाते रहे जिससे क्या ग्रेवी थिक बन जाएगी। ये तैयार हो चुके हैं हमारे रस्से वाले आलू। गैस बंद कर देंगे, ये हम निकाल लेते हैं प्लेट में। सादा सिंपल बहुत अच्छे आलू है ये रस्से वाले आलू। अब आप इसे पूरी से भी खा सकते हैं, नान से भी खा सकते हैं। अब खा के देखते हैं कैसी बनता है, बना है रस्से वाले आलू। बहुत अच्छे बने, आप भी ट्राई करिए और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।